आपको याद होगा हाल ही में ग्लोबल इंडेक्स को लेकर एक हाई तौबा मचा था, क्योंकि इस ग्लोबल इंडेक्स से रूस को निकालकर बाहर फेंक दिया गया था और रूस का नुकसान भारत का फायदा बन रहा था, $30 बिलियन का फायदा। लेकिन इस फायदे को भारत ने आखिर ना क्यों कह दिया? क्या अमेरिका और ब्रिटेन की कोई साजिश नजर आई? आखिर भारत को क्या करने को कहा गया जिसे भारत ने नहीं माना? तो वहीं दूसरी तरफ 40,000 चीनियों को क्यों निकाल रहा है फिलीपींस? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन को 26,000 करोड़ का फायदा होता है, लेकिन इस 26,000 करोड़ में करीब करीब कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ तो ऐसे ही लॉस हो जाएंगे। वो है कारण फिलीपींस। आपको बता दें, फिलीपींस ने फैसला लिया है कि फिलीपींस 40,000 चीनी वर्कर्स को वापस भेजेगा और इससे करीब करीब 1,000 करोड़ से ऊपर का हर साल नुकसान होने वाला है चीन को। अब बात क्या है तो आपको बता दें, दरअसल फिलीपींस में ना चीन ने एक जाल बिछा कर रखा हुआ था और इस तरीके के जाल और भी कई जगह पर बिछा कर रखा हुआ है चीन ने, और इस जाल से हर साल चाइना की इकोनॉमी में 26,000 करोड़ रुपए आते थे। इसका ना एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चीनी सरकार को मिलता था और रिटेल में काम करने वाले, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारी इसका लाभ बहुत ज्यादा उठाते थे। दरअसल ये खेल किस चीज का था? ये खेल था जुआ, जो चाइना सरकार पोगो के नाम से चलाती है। पोगो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बना रखा है चीन ने, और चीन का कैसीनो का ये खेल 20 लाख से अधिक चीनी और 11 लाख से अधिक जिस जगह पे खोला जाता है उसको ये रोजगार देता है, पैसे भी बहुत खास आते हैं। फिलीपींस में चीन ने इसी को शुरू किया, 175 कैसीनो इसने बनाए ऑनलाइन और 40,000 से ज्यादा, करीब कहा जाता है ऐसे तो असल में संख्या है 3 लाख, ये यहाँ पर फिलीपींस में इन गेम के नाम पर किसी न किसी तरीके से इस खेल से जुड़े हुए थे, ऑनलाइन गेमिंग होती थी। लेकिन धीरे धीरे इस खेल ने फिलीपींस में मर्डर और कई तरह के अपराधों को जन्म देना शुरू कर दिया। देखा गया कि कई किडनैपिंग, मर्डर और दूसरे अपराध चीनी नागरिक एक दूसरे के साथ ही कर रहे हैं, जिसके बाद फिलीपींस के लॉ डिपार्टमेंट एक्शन में आया और इसने देश में क्राइम करने वाले 40,000 चीनियों को भेजने का फैसला ले लिया है। वैसे आपको बता दें, 2016 में फिलीपींस में पोगो बहुत तेजी से उभरा और ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज दूसरे देशों में भी अपना नेटवर्क तेजी से जमा रही है। चीनी कंपनियों ने धंधा जमाना शुरू कर दिया। पोगो ऑपरेटर्स ने 3 लाख से अधिक चीनी वर्कर्स को काम दिया, पर अब ये अपराध में इतना ज्यादा ग्रस्त होने लगे कि आखिरकार फिलीपींस की सरकार को फैसला लेना पड़ा। खैर, जहां एक तरफ ये बहुत बड़ा फैसला था जो फिलीपींस ने लिया, क्योंकि इससे फिलीपींस को भी नुकसान होना है, क्योंकि जो रेंट था, ऑफिस रेंट और जो टैक्स था, उसके रूप में भी फिलीपींस को अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन फिलीपींस ने सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को और नागरिकों की सुरक्षा को देखा। यही वजह है कि फिलीपींस ने इतना बड़ा निर्णय लिया। जहां फिलीपींस ने इस तरीके का निर्णय लिया है, वहीं भारत ने भी एक तगड़ा वाला निर्णय लिया, और इस निर्णय को सुनकर आप कहेंगे कि भारत ने $30 बिलियन छोड़ने का निर्णय ले लिया है। हुआ कैसे? तो हाल ही में रूस को जो ग्लोबल इंडेक्स है उससे बाहर निकाला गया, और रूस की इसमें वेटेज कितनी थी, परसेंटेज कितनी थी, तो आप समझ लीजिए इसका था 8%, और पहले रूस इसका सदस्य हुआ करता था। अब बच गए 7 देश जिनके पास इस ग्लोबल इंडेक्स में 10-10% की मान लीजिए वेटेज है, तो वहीं 13 देश हैं जिनके पास बाकी के 30% की है। और ये क्या था? ये था JP Morgan का इंडेक्स। रशियन बॉन्ड्स को इससे निकालकर बाहर फेंक दिया गया। फिर कहा जाने लगा कि भारत से संपर्क साधा जा रहा है और भारत इस सबसे बड़े बॉन्ड मार्केट में कूदेगा
और भारत को होगा करीब 30 बिलियन डॉलर का फायदा। रूस की जगह भारत आ जाएगा, ये दिखा भी स्क्रीन। इस बात को लेकर मीडिया में भी बात आ गई कि अगर भारत यहाँ पर एंट्री लेता है तो भारत को यहाँ पर कम से कम 10% का वेटेज मिलेगा और भारत को इससे 30 बिलियन डॉलर का फायदा होगा। भारत में निवेश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वक्त बात करें तो भारत में फॉरेन ओनरशिप है इंडियन बॉन्ड्स की 17.8 बिलियन डॉलर, जो 30 बिलियन डॉलर में बदल जाएगा और भारत को बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाएगा और भारत की इकोनॉमी ओपनिंग इकोनॉमी हो जाएगी 1 ट्रिलियन डॉलर की। जब बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहां पर आएंगे तो 1 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 30 सालों में जो नहीं हुआ वो चीज भारत के सामने निकल कर आई थी कि हाँ अब यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स दनादन पैसे लगाने शुरू कर देंगे। लेकिन इस पर भारत ने कह दिया कि नहीं, हमें जो है ग्लोबल इंडेक्स में जाने के लिए इतने बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा? दरअसल अमेरिका और यूके भारत से यहाँ कुछ चाहने लगे कि भारत जेपी मॉर्गन के इतने बड़े बॉन्डिंग इंडेक्स में घुसेगा तो भारत को भी कुछ करना चाहिए। भारत ने हाल के दिनों में अपने टैक्स वगैरह के रूल्स में काफी कुछ चेंजेस किया है और इस चेंजेस की वजह से इन्वेस्टर्स ये मान रहे थे कि एक तो ट्रांजेक्शन की एफिशियंसी और उसके बाद भारत में जो टैक्स के कई रूल है, ये रूल कैपिटल गेन वाले टैक्सेस और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है कि हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये सर्वे जेपी मॉर्गन ने कराया जिसके बाद इन्वेस्टर्स की ये राय रखी गई कि अगर भारत इन टैक्स संबंधित नियमों में कुछ बदलाव करता है या फिर और क्लियरिटी सामने लेकर आता है तो भारत को इस ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है, जिससे भारत को 30 बिलियन डॉलर का फायदा होगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से ऐसा लगता है जैसे कहा गया हो कि हम झुकेंगे नहीं और हम अपने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव करने नहीं जा रहे हैं। और जहां तक बात है आपके 1 ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट या ओपनिंग इकोनॉमी की, तो भारत जल्द ही 14.3 ट्रिलियन रुपीज यानी कि 176 बिलियन का बोरो करने वाला है और 176 बिलियन डॉलर का अगर हमें फायदा होगा, निवेश होगा, तो हम 30 बिलियन डॉलर के लिए क्यों अपनी चीजों को इस तरीके से बर्बाद करेंगे जो हमारा सारा सिस्टम है उसे बिगाड़ सकता है। वैसे ये एक्सपर्ट ये मानते हैं कि भारत जो ये निर्णय ले रहा है सही ले रहा है। अगर विदेशी कंपनियां घुसती हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लोकल मार्केट के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो नहीं झुकने का फैसला लिया वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।